नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 2 नवंबर 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। तारीख के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिन रहेगा क्योंकि तारीख 2 है, मंथ भी 2 है और साल में 2 बार 2 आया है। आज के दिन जो बच्चे पैदा होंगे वो कला के क्षेत्र में और फोटोग्राफी के क्षेत्र में कुछ अलग पहचान बना सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में चंद्रमा वृषभ राशि में है राहु के साथ, जो ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। मैंने पिछली बार जब चंद्रमा वृषभ में आए थे तो मैं आपको बताया था कि जब से राहु वृषभ राशि में आए हैं तब से लेकर के अगले 1.5 साल तक चंद्रमा उच्च का नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब जब उच्च का होगा तब तब राहु के साथ ग्रहण योग बन जाएगा। कन्या राशि में शुक्र है और तुला राशि में सूर्य बुध, केतु वृश्चिक राशि में, धनु राशि में बृहस्पति, मकर राशि में शनि और मंगल मीन राशि में। मंगल और बुध वक्री, शुक्र और शनि, माफ करिएगा, शुक्र और सूर्य दोनों ही नीच के हैं और जैसा कि मैं बताया मंगल और बुध वक्री है और ग्रहण योग इधर बना हुआ है। ग्रहों की स्थिति खराब मानी जाएगी। बस सब कुछ को एक तरीके से संभाला है तो वो है संभालने में शनि का स्वगृही होना और बृहस्पति का स्वगृही होना। ये एक बड़ी बात होती है जनमानस के लिए, एक पॉजिटिव है, लेकिन छोटे छोटे ग्रहों की जो स्थिति खराब हो रही है ये जनमानस के लिए अच्छा नहीं। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, धन भाव में ग्रहण योग बन रहा हुआ है, ये मुख भाव भी होता है, नेत्र भाव भी होता है, मुख रोग या नेत्र रोग से परेशान हो सकते हैं। कुटुंबों में कोई निगेटिविटी की वजह से आपको परेशानी होगी या कुटुंबों में किसी के बीमारी को लेकर के आप परेशान होंगे। धन का कोई भी आर्थिक रिस्क मत लीजिएगा, अदरवाइज नुकसान संभव है। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा मध्यम कहा जाएगा, बच के पार करें। काली वस्तुओं का ध्यान करें अच्छा होगा। वृषभ राशि, उतार चढ़ाव बना रहेगा, कभी बहुत निगेटिव कभी जोरों के पॉजिटिव हो जाएंगे। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम से थोड़ा बेहतर है। पीली वस्तु का दान करें और कोई भी काली वस्तु अपने पास रखें। मिथुन राशि, चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है, पार्टनरशिप में कोई विवाद हो सकता है, टकराव हो सकता है, खर्चे को लेकर के परेशान रहेंगे, सर दर्द या नेत्र विकार से परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा गुजरेगा। पीली वस्तु का दान करें या चने की दाल किसी मवेशी को खिलाएं। कृषि, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है, लग्नेश ग्रहण योग बनाए हुए हैं और ये खराब स्थिति कही जाएगी। चंद्रमा का ग्रसित होना और थोड़ा सा बच के पार करने की आवश्यकता है, ये एक अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी आपके लिए। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार आपका तीनों ही थोड़ा खराब स्थिति में है। अवसादग्रस्त मन रहेगा, थोड़ा सा धैर्य के साथ काबू के साथ चलिएगा, फिर आने वाला समय बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बजरंग बली को प्रणाम करते रहें और शिव जी का जलाभिषेक करें। सिंह राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिल सकता है लेकिन कुछ भ्रामक स्थिति बनी रहेगी, इसलिए आप बहुत ईजी नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का समय है। किसी भी गरीब व्यक्ति को फुटवियर, चप्पल या जूता दान करना आपके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि, भाग्यवश कुछ हो सकता है लेकिन मन अतिवाद से परेशान होगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धर्म कर्म में जुड़ जाते हैं, कोई व्यक्ति बिल्कुल धर्म कर्म में नहीं जुड़ते, ये दोनों ही स्थिति खराब होती। आराम से चले, गृहस्थ आश्रम में जितना जुड़ना चाहिए उतना ही जुड़िए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ईश्वर में आस्था रखिए। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम की स्थिति अच्छी और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सही चलते रहें। गणेश जी की वंदना करते रहें। तुला राशि, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम अच्छा, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सही चलते रहेंगे। काली जी की वंदना करते रहें। वृश्चिक राशि,
जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है, उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। व्यवसायिक तौर तरीकों पर ध्यान दें, कोई रिस्क ना लें। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम अच्छा, व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम समय कहा जाएगा। काली वस्तु का दान करें। धनुराशि, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी। जितनी परेशानी रहेगी उससे ज्यादा आप सोच के परेशान रहें। प्रेम की स्थिति मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलते रहेंगे। किसी भी गरीब को आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान करें अच्छा होगा। मकर राशि, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें। प्रेम में तूतू मैमे का संकेत, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे थोड़ा सा। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम ठीक नहीं है और व्यापारिक दृष्टिकोण से आप मध्यम से अच्छे की तरफ जाएंगे। काली जी की वंदना करते रहें। कुंभ राशि, घरेलू सुख बाधित रहेगा, गृह कलह के संकेत है, सीने में विकार संभव है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक चलते रहेंगे। सफेद वस्तुओं का काली मंदिर में दान करना आपके लिए उचित रहेगा। मीन राशि, घोर पराक्रमी बने रहेंगे लेकिन किसी भी तरीके से आगे बढ़ने का सोचना ठीक नहीं है। थोड़ा सा कर्मों में मिलावट से बचें। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम मध्यम है और व्यापारिक दृष्टिकोण से सोच समझ करके आगे बढ़े, अवसर जरूर मिलेगा। काली वस्तुओं का दान करें। नमस्कार।